क्या आपका भी अमोनिया कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? आप भी अमोनिया से परेशान हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार मौर्य, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इस समय हम परेशान हैं एक सवाल से, जो कि बहुत सारे जो है कि लोगों ने किया है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये सवाल आए हैं, तो हमें लगता है कि इसका एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने आज सोचा कि चलो इसके बारे में एक वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि लोगों का डाउट क्लियर हो। तो सबसे पहले इसमें सवाल ज़्यादातर ये आते हैं कि हमारे टैंकों में अमोनिया बढ़ गया है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, लोगों का कहना ये है कि अमोनिया बढ़ने की वजह से हमारे टैंकों में मछलियाँ मरने लगी हैं। तो गजब है यार, ऐसा तो नहीं होता भाई कि अमोनिया जब आपके टैंकों में बढ़ जाए इस वजह से मछलियाँ मरें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके टैंकों में अमोनिया ज़्यादा दिन तक बना रहे तो इस वजह से बीमारी लगे तब मछलियाँ मरें, ऐसा संभव है। ऐसा नहीं है कि आपके टैंकों में अमोनिया बढ़ गया और मछलियाँ मरने लग जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तालाबों में लगातार 4-4, 5-5 PPM, कभी कभी 8-8 PPM जो है कि ज़्यादा क्वांटिटी में जिस तालाब में मछलियाँ हैं और नेचुरल फीड पे रहती हैं, जहाँ पे फीड वगैरह नहीं दी जाती, वहाँ पे अमोनिया इतना इंक्रीज हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि अमोनिया बढ़ने की वजह से कभी भी आपकी मछलियाँ अमोनिया की वजह से नहीं मरने वाली, उसकी वजह से बीमारी जब लग जाएगी, जब बीमारी की वजह से मछलियाँ मरने वाली हैं, ठीक है, वो एक लंबा समय लगेगा आपके टैंक में, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना के आसपास जब अमोनिया बना रहेगा तब। तो इस पर आज चर्चा करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि अमोनिया को डिक्रीज़ कैसे करना है, क्योंकि लोग परेशान हैं। शायद जो लोग नए कल्चर किए हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके बारे में कोई ख़ास वीडियो बना के नहीं डाला गया है, तो शायद जो कुछ लोगों ने जो शिकायत करी है वो शायद पिछली वीडियो जो है कि पिछले साल की शायद नहीं देखे होंगे, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ डाली गई हैं। ऐसा संभव नहीं है कि सब लोग जो है कि सारी वीडियो को देख पाएँ, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के डालना चाहिए, तो डाल देते हैं आज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अमोनिया कंट्रोल कैसे होगा। तो अमोनिया कंट्रोल करने के लिए देखिए, जब आप प्रोबायोटिक डालते हैं तो उस दिन से लेके 28 दिन के अंदर तक, तकरीबन जो है कि 28 दिन के अंतराल में अमोनिया ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। और इस बीच यदि कंट्रोल नहीं होता है तो आप जो है कि मोलेसिस, मतलब कार्बन सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन सोर्स जो है कि नॉर्मली चीज़ है, सभी लोग जानते हैं कि अमोनिया कंट्रोल करने के लिए कार्बन सोर्स डाला जाता है, तो ज़्यादातर लोग इसको डाल के भी थक गए हैं, फ्लॉग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन फिर भी अमोनिया कंट्रोल नहीं होता है। ये नया कल्चर जो है उसके लिए है। नए कल्चर में यदि आपका अमोनिया मोलेसिस डालने से कंट्रोल नहीं होता है, तब इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि FCO बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। FCO कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो मैंने पिछले साल बनाया था, पिछले साल क्या 1.5-2 साल पहले का वीडियो है, वो मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं कि FCO कैसे बनाते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारा डिटेल उस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप FCO बनाने के बाद उसको इस्तेमाल करिए, आपका अमोनिया डिक्रीज हो जाएगा 100%। और कुछ लोगों को मैंने जो है कि FCO बना के जो है कि अमोनिया डिक्रीज करने के लिए कहा था, तो उसमें से भी लोग शिकायत करते हैं कि या फिर वीडियो देख के जो है कि ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी लोग शिकायत करते हैं कि मैंने FCO डाल दिया है फिर भी अमोनिया कंट्रोल नहीं होता है। तो इस पर हम कहेंगे कि अमोनिया देखिए, जब आप FCO डालते हैं, सुबह डालते हैं, शाम को अमोनिया चेक करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो है कि शाम तक आपका अमोनिया कंट्रोल हो जाएगा। आप जिस दिन FCO डालते हैं, जैसे आज सुबह डालते हैं, जिस समय डालते हैं उस समय से लेके 48 घंटे के बाद आप चेक करिए, आपका अमोनिया ज़रूर से जो है कि अगर यदि 8 PPM है तो 4 PPM 2 PPM के आसपास ही मिलेगा। FCO डालने के कम 48 घंटे के बाद ही रिजल्ट आता है, या फिर आप मोलेसिस भी डालते हैं टैंक में, अगर उससे अमोनिया कंट्रोल होता है तो भी आपको रिजल्ट 48 घंटे के बाद ही मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि तुरंत रिजल्ट नहीं आता है, कम से कम 2 दिन का समय लगता है, तब जाके उसका जो है कि रिजल्ट आता है। ऐसे नहीं कि आप आज डालें फिर कल सुबह फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें कि नहीं हमारा तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो थोड़ा समय दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं जो पुराने कल्चर हैं जिसमें कि अमोनिया कंट्रोल नहीं हो पा रही, एक बार अमोनिया कंट्रोल हो गया तो बाद में जल्दी होता नहीं है, लेकिन किसी किसी के टैंकों में क्या होता है कि
अमोनिया दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में आप बॉटम क्लीनर का जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटम क्लीनर के तौर पे फेमस दवाई जो है ऑल इंडिया हर जगह मिलने वाली जो दवाई है जियो लाइट के नाम से, ठीक है। तो ये आप अपने टैंकों में डाल सकते हैं, ये बॉटम क्लीनर है, बहुत ही अच्छे से जो है कि बॉटम को क्लीन करता है। यदि आपके टैंकों में नीचे बॉटम में जो है कि स्लज वगैरह जमा है, कचरे जमा है, तो अमोनिया बनने के चांसेस वहीं से पैदा होते हैं। तो ये बॉटम क्लीनर ही है, ठीक है। और जो है कि आप सीफैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी जो है कि बॉटम क्लीनर का ये भी काम करता है, इसका भी रिजल्ट बढ़िया है। सीफैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी तरह तरह की दवाइयां हैं बॉटम क्लीन करने के लिए, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों ये तरीका आप अपनाइए और इन तरीकों से उम्मीद करते हैं कि 100% आप लोगों को रिजल्ट मिलने वाला है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अमोनिया ऑलरेडी 28 दिन में कंट्रोल हो जाता है। यदि आप पहले कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो है कि आप FCO का इस्तेमाल करें। बाद में यदि आपका अमोनिया फिर से जो है कि बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है टैंकों में एक बार कंट्रोल होने के बाद, तो आप उस कंडीशन में आप जो है कि बॉटम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं बायोफ्लक्स रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।